आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जहां फ्रीजा दो जैनों में से एक को मार देता है और जिसकी वजह से यूनिवर्स 7 खतरे में आ जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए बेरस फ्रीजा को रोकने का प्लान बनाता है, लेकिन कोई जैनो को कैसे मार सकता है? और हाँ, उस जैनो को दोबारा जिंदा नहीं किया जाता और लास्ट में ग्रैंड प्रीस्ट सबकी याददाश्त भी मिटा देते हैं। ये एक शॉर्ट मांगा है चिबी डैम जी की तरफ से जो मुझे बहुत ऑसम लगी। तो मेरी मांगा के चैप्टर 4 के आने में तो टाइम है, तो तब तक मैंने सोचा क्यों ना ये फ्रेंच लैंग्वेज की मांगा को आपको बताया जाए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और मेरे चैनल पर भी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरी इंडिया की पहली ड्रैगन बॉल फैन मेड मांगा को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि मुझे मिलेगा मोटिवेशन और मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए ऐसी ही ऑसम मांगास और अपनी फैन मेड मांगा सबसे पहले। तो फ्रीजा एक दिन दोनों जैनो के पास टेलीपोर्ट होकर आ जाता है जहां पर दोनों जैनो उसको डांट रहे होते हैं। पहला जैनो कहता है कि फ्रीजा, हम तुम्हारे कामों को देख रहे हैं और जब से तुम्हें गॉड की शक्ति मिली है तुम उनकी तरह ही यूनिवर्स को बर्बाद कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें जल्द ही सजा मिलेगी। वहीं दूसरा जैनो कहता है, हमारी बात सुनने के लिए बहुत शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। तो उसी चीज का जवाब देते हुए फ्रीजा कहता है कि मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। और एकदम से दूसरे जैनो की गर्दन पर फ्रीजा वार कर देता है जिसकी वजह से वो जैनो वहीं दम तोड़ देता है। लेकिन कैसे जैनो को कोई कैसे मार सकता है? इसका जवाब फ्रीजा की बात से मिलता है क्योंकि वो बताता है कि जिस वजह से वो इतने दिनों से प्लैनेट्स को तबाह कर रहा था, ढूंढ रहा था, वो कोई बिजनेस नहीं था, वो डिवाइन ब्लेड को ढूंढ रहा था। लेकिन मेन जैनो उस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फ्रीजा को बोलता है कि अब तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दूंगा, तुम्हें हकाई कर दूंगा अभी के अभी। और फ्रीजा भी लगभग इरेज होने लगता है लेकिन डिवाइन ब्लेड की शक्ति से वो बच जाता है और हकाई होने से, जैनो के हकाई होने से भी बच जाता है। और फिर फ्रीजा बोलता है कि इतना ताकतवर डिवाइन ब्लेड के होते हुए भी बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम लोगों की बात पता नहीं क्यों मानते हैं। उसको नहीं पता कि ये सारी चीजें बैलेंस करने के लिए होती हैं। फिर हमें थोड़ा सा डिवाइन ब्लेड के बारे में भी देखने को मिलता है जिसमें बताया जाता है कि सबसे पहला जो एंजल था उसने इस डिवाइन ब्लेड को बनाया था और ये ब्लेड किसी भी इमॉर्टल तक को मारने की पावर रखता है। और इसी वजह से इस पहले एंजल को जिसने डिवाइन ब्लेड को बनाया था उसको सजा मिलती है और उसको एक कैदी बना दिया जाता है। अभी ये नहीं बताया गया है कि वो अब भी एक कैदी है या नहीं। फिर फ्रीजा अपनी गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मेन जैनो की तरफ टूट पड़ता है अपने डिवाइन ब्लेड के साथ। लेकिन तभी वहां ग्रैंड प्रीस्ट आ जाते हैं और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ग्रैंड प्रीस्ट फ्रीजा को मार देंगे पर ऐसा नहीं होता। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि अगले दिन धरती पर गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि वहां पर बेरस और व्हिस आ जाते हैं और एकदम से बेरस चिल्लाता है कि क्या तुम दोनों को 5 मिनट के लिए भी ट्रेनिंग करना बंद नहीं कर सकते। फिर व्हिस उन दोनों को सारी चीजें बताता है कि किस तरीके से फ्रीजा ने यूनिवर्स 7 को खतरे में डाल दिया है और किस तरह से एक जैनो को मार दिया है डिवाइन ब्लेड का इस्तेमाल करके। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट ने इस चीज को खुद संभालने की बजाय यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि बेरस को जिम्मेदारी दी है कि फ्रीजा को जल्द से जल्द कुछ सबक सिखाया जाए, उसका कुछ किया जाए। तो बुलमा ड्रैगन बॉल से विश करती है और शेनरॉन से मदद मांगती है कि टाइम को थोड़ा सा पीछे कर दिया जाए। जब फ्रीजा ने उस जैनो को नहीं मारा था तो फिर वो एकदम से वहां टेलीपोर्ट होकर उस फ्रीजा को रोक लेंगे। तो शेनरॉन अपनी पूरी ताकत से जितना टाइम पीछे हो पाता है कर देता है और खुशकिस्मती से सही टाइम पे वो लोग आ जाते हैं और एकदम से गोकू फ्रीजा की को महसूस करके जैनो की प्लेस पर चला जाता है क्योंकि जैनो की प्लेस का कोई एग्जैक्ट ठिकाना नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है। और वहां सबको गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन से पहुंचा देता है, मतलब गोकू की इंस्टेंट ट्रांसमिशन अब व्हिस की स्पीड से ज्यादा है। तो फ्रीजा एकदम से चौंक जाता है कि ये लोग कैसे आ गए। तो वो एकदम से उसके सामने वाले जैनो की गर्दन पर डिवाइन ब्लेड से वार कर देता है। तो जिस चीज को बचाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी वो खत्म हो जाती है और जिस चीज को रोकने के लिए शेनरॉन से विश मांगी थी वो भी बेकार हो जाती है। लेकिन अब बेरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और व्हिस बेरस को बताता है कि ये डिवाइन ब्लेड है, जरा ध्यान से फ्रीजा से लड़ना। लेकिन हमारे सैयन योद्धा गोकू और वेजिटा बड़ी चालाकी से फ्रीजा के पीछे टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं और उसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं जिससे कि फ्रीजा अपने डिवाइन ब्लेड का इस्तेमाल ही ना कर सके। और अब गुस्से से आग बबूला बेरस बिना किसी टाइम को वेस्ट करे फ्रीजा के सर पर हाथ रखता है और उसको हकाई कर देता है और फिर सीधा हेल में सेल फ्रीजा को बोलता है, नर्क में तुम्हारा स्वागत है।
फ्रीजा, और हर बार की तरह फ्रीजा बदला लेने के लिए बोलता है। और अब ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनो की प्लेस पर बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं, तो वो गुस्सा होते हुए गोकू और वेजिटा को पहले बोलते हैं कि तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, व्हिस ने मुझे सब बताया, लेकिन जो चीजें तुम कर रहे हो वो तुम्हारे करने की चीजें नहीं है। जिस तरीके से तुमने ड्रैगन बॉल्स की मदद से उस टाइम को पीछे करा वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी, और उससे बहुत ज्यादा चीजें बदल गई हैं और बैलेंस खराब हो गया है और चीजों का तालमेल खराब हो गया है, और इस चीज को मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो मैं जितनी भी आखिरी टाइम ड्रैगन बॉल से विशेष मांगी गई हैं उन सबको कैंसिल कर दूंगा, रिवर्ट कर दूंगा, और तुम लोगों को जो आज यहाँ सब हुआ वो कुछ याद नहीं रहेगा, यहाँ की तुम्हारी सारी मैं याददाश्त मिटा दूंगा। तो गोकू बोलता है कि ऐसे तो और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अब उसकी ग्रैंड प्रीस्ट नहीं सुनेंगे और वो टाइम को रिवर्स कर देते हैं, लेकिन इस तरीके से कि सब बैलेंस रहे, क्योंकि आखिरकार वो ग्रैंड प्रीस्ट हैं। और लास्ट में ज़ेनो कहते हैं कि हमें एक ऐसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ढूंढना पड़ेगा जो बीरस की तरह ना हो और अपने काम पर ध्यान दे, ना कि हर समय सोता रहे। इस बीरस ने मॉर्टल्स के साथ मिलकर उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया है, जो कि गलत भी है और सही भी है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि ये लोग ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करने से पहले दो बार सोचें। तो क्या ज़ेनो न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को ढूंढने का प्लान बनाएगा, और क्या ग्रैंड प्रीस्ट ऐसी चीज करेंगे जिससे कि हमारे ड्रैगन बॉल योद्धा ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करने से पहले दो बार सोचेंगे? तो ये चीज हमें पता लगेगी नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन वेट, इसका तो नेक्स्ट चैप्टर ही नहीं है, लेकिन टेंशन नॉट, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इस मांगा को मैं एक या दो चैप्टर बना के इसकी स्टोरी को परफेक्टली खत्म कर दूंगा। लेकिन पहले मैं अपनी मांगा खत्म कर लूं, क्योंकि आप लोग मुझे पता है कमेंट में भर भर के वही लिखने वाले हो, और भाई जल्द पूरी मेहनत चल रही है, तुम यकीन नहीं कर सकते उस चैप्टर पे, और तुमसे ज्यादा मैं उस चैप्टर को अपलोड करने के लिए जल्दी में हूं। तो सोच लो, बस धैर्य बनाए रखो, लेकिन जब वो चैप्टर आएगा तुम जो लोग वेट कर रहे हो वो सब सफल हो जाएगा, क्योंकि वो चैप्टर इतना कमाल का होने वाला है, मैं बनाते हुए ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो अगर आप इस वाली मांगा का नेक्स्ट चैप्टर चाहते हैं तो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको उस मांगा चैप्टर में क्या चीज अच्छी लगी और क्या नहीं, और मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करके क्रिजिटा गैंग को स्ट्रॉन्ग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहा मेहा।